सुहेल, मैंने सुना है तू बाहर से पढ़ के आया है। हाँ, बाहर से पढ़ के आया हूँ। अच्छा, कुछ इंग्लिश में बोल के सुना। द नंबर यू हैव डायल इज करंटली बिजी। ये पढ़ के आया है तू बाहर से? हाँ, और क्या, फर्राटेदार इंग्लिश आ गया मुझसे, हल्के में ले रही है। यार सावत, तेरे पापा बड़े बेकार आदमी है, वही बड़े ही फेल इंसान है, कभी जिंदगी में नहीं बोलूंगा उनसे। ये पता है मेरे पापा कौन है? हाँ, कौन है? कसाई है। अबे यार सवा, देखिए मुझे ना बता दो, तेरे पापा कसाई है? मैंने फिलो फिलो में कुछ ये बोल दिया। कल को बकरा ईद है और कसाईयों का भाव बढ़ा हुआ मैं बहुत। देखिए अपने पापा से कहते मेरे बकरे निपटा देंगे, पहले दो हैं। अरे हाँ हाँ ठीक है, उठ तो जा, अभी कॉल कर मेरे सामने। हेलो पापा। हाँ, वो मेरे दोस्त यहाँ पे दो बकरे, पहले उन्हें निपटा दियो। ठीक है, थैंक यू यार, कल को तू भी आ जाइए, तेरी दावत है। यार हम दोनों ने भाग के शादी तो कर ली, मुझसे तो कोई काम धंधा भी नहीं आता, खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ? बेबी ऐसा करते हैं, तुम मुझे मेरे घर छोड़ाओ और तुम अपने घर चले जाओ। तो पछता रही हो तुमसे शादी करके? अरे यार तू झाड़ू पोछा कर लिए किसी घर पे? हाँ जरूर, झाड़ू पोछा करने के लिए तो शादी करी तुमसे। प्यार में इतना भी ना कर सकती? ओ मैडम, क्या हाल है? वही हाल है जो तेरी एक्स के हाल है। पर मेरी एक्स तो मर गई, तो जिंदा तुम तो आज ही निकाह पड़वा दो हमारे लोंडे का। आज ही? अबे भैया अभी तो रिश्ता हुआ यार, एकदम से शादी, ऐसे क्या कर रहा है तुम्हारा लोंडा? कसाई हूँ मैं, कसाई। कबूल है, कबूल है, कबूल है। अरे भैया पूरे आठ बकरे, आठ। हाँ आ रही हूँ, आ रही हूँ। अरे मैं कबूल है, बाद में बोल दूंगी, तुम निपटा के आओ। बाजार में एक भी बकरा पसंद नहीं आया, सब पतले पतले थे। अरे वो देखो बकरा। अरे भाई साहब बकरा कितने का दिया है? भाई साहब 15,000 का। ठीक है बकरा। हाँ बढ़िया लग रहा है, यही ले लो। ये लो भाई साहब। अरे क्या हुआ बेगम, बिरयानी तैयार हुई नहीं अभी? ईद मुबारक हो भाई। अरे ईद मुबारक हो। ईद मुबारक हो सुहेल भाई। ईद मुबारक हो भाई। और इस बार कितना गोश्त निकला तुम्हारे बकरे में? अरे 25 किलो गोश्त निकला है। माशाल्लाह। जिसमें कि मैंने 10 किलो की बिरयानी बनवा दी, 10 किलो का कोरमा और 5 किलो मैंने रख लिया फ्रीज में, एक हफ्ते तक खाऊंगा उसे आराम से। और भाई गरीबों का और तुम्हारे रिश्तेदारों का हिस्सा? तुमसे क्या मतलब है मुझे? भाई कितनी गलत बात है यार, शायद तुम्हें पता नहीं है कि एक बकरे में 3 हिस्से होते हैं, एक रिश्तेदारों का, एक अपना और एक गरीबों का। भाई मुझे इस बारे में पता नहीं था, अब मैं आगे से ध्यान रखूंगा। और अभी मैं इनके 3 हिस्से करवा के एक गरीब को भिजवाता हूँ और एक रिश्तेदारों में और एक अपने घर पे रोकता हूँ। और गाइस आप भी इस चीज का ध्यान रखें। अबे तुम्हारा बजट नहीं था ना तो ना बुलाते दावत में, दावत क्यों करी बकरे ईद के दिन? अबे क्या हो गया सुहेल भाई? अरे यार बकरे ईद के दिन हमारी दावत करी और साले खिचड़ी खिला रहे हैं। हाँ यार बात तो बहुत गलत है इनकी। तुम्हारे घर क्या बना? पीली तायरी। हट साला पीली तायरी, आओ चलो हम अपने घर खाएंगे। वृद्धि यार तुमने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा काम भी कराया? नहीं। हाँ हाँ एक अच्छा काम किया था मैंने। अच्छा क्या किया था? एक बूढ़े आदमी बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। अच्छा तो तुम अपनी स्कूटी से उन्हें घर छोड़ कर आई थी? नहीं नहीं, मैंने उनके पीछे कुत्ता छोड़ दिया था। ये अच्छा काम है। हाँ और क्या, ऐसी काम करती रहती है। भैया हेयर कट करवाना है। हाँ मैडम बैठो। मैडम जी हो गया। हाँ भैया इतने छोटे क्यों कर दिए? अरे मैडम बहुत प्यारी लग रही है इसमें। सच में सुंदर लग रही हो? वो है मैम। 2,000 रुपए काउंटर पर कटवा देना। भैया एक कोल्ड ड्रिंक दे दो। अच्छा मैडम ये लो। कितने रुपए हो गए? 40 रुपए। पागल समझ रहे हो, 95 रुपए की मिलती है। हाँ 95 रुपए की तो है ये, लाओ। Women. ओहो मैडम, क्या आप मेरे साथ कॉफी की डेट पे चलेंगी? हाँ मैं तो चलूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार मेरे हस्बैंड से पूछ लो। कहाँ है आपके हस्बैंड? वही जो आपके बाल काट रहे हैं। कॉफी पे लेके जा रहे हैं, अभी रुक जाओ, तेरा हेयर स्टाइल बनाता हूँ। भैया गलती हो गई। अब तो मुझे मेरे घर के भी ना पहचानेंगे।
वृद्धि, मैंने तुझसे कहा था अपनी फ्रेंड से बात कर लिए मेरे लिए, कर ली बात? हाँ मैंने बात कर ली है और वो मान भी गई है। यार तुम अपने बालों पे क्या लगाती हो? कंडीशनर लगाती हूँ। मैं मूंछों की बात कर रहा हूँ। बड़ी सिल्की है यार।